सो हेलो एवरीवन, वेलकम है फिर से आपका लाइव ट्रेड प्लीज चैनल पे। यहाँ पे हाई इनकम स्किल सीखने वाले आप कम पैसे से ज्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं। अब मैं लाइव ट्रेड करूंगा बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में। आज देखते हैं क्या रहता है। बैंक निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल ये दिख रहे होंगे आपको, रेड कलर के जो भी है, ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। और बैंक निफ्टी काफी गैप अप ओपन हो रही है आज 43525 पर, 525 यहाँ पे कहीं पे बैंक निफ्टी का चार्ट ही है और चल पड़ा है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा कि क्या करेगा। यहाँ से अगर ये बेयरिश पैटर्न कुछ दिखाता है तो ये लेवल टारगेट रहेगा, और बुलिश पैटर्न दिखाता है तो पहला टारगेट ये लेवल। अभी 5 मिनट की कैंडल कैसी बनती है बैंक निफ्टी की, इसका वेट कर रहा हूँ मैं। इसके बाद ही कुछ डिसीजन ले पाएंगे। तब तक के लिए स्टॉक देख लेता हूँ। नेगेटिव में तीन चार स्टॉक है, अभी ज्यादा नहीं है। एक ये आइनॉक्स, ये वाले स्टॉक में ट्रेड लिया, लेट्स सी क्या रहता है। तब तक बाइंग प्राइस ये है, टोपोलॉजी कैंडल के नीचे रखा हुआ है, 1:2 का टारगेट 15। बैंक निफ्टी में ट्रेड ली हुई, यहाँ पे देखते क्या रहता है, इसको ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। दोनों ट्रेड में लॉस चल रहा है, बैंक निफ्टी वाले में भी और स्टॉक में भी। ये भी स्टॉप लॉस के आसपास घूम रहा है और बैंक निफ्टी ऑप्शन भी। यहाँ पे देखते करिए ईएमए को ब्रेक करेगा, ये सोच रखा है मैंने। अगर ब्रेक कर देगा तो कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा ऑप्शन में एंड स्टॉक्स में भी। आईडीबीआई स्टॉक है ये, अगर अच्छी मूवमेंट ऊपर करेगा तो ये देखो कितनी अच्छी मूवमेंट आई है। स्मार्ट मनी है, तो स्मार्ट मनी के साथ ही मैं घुस गया। बड़ी कैंडल है ना, इसके नीचे लगा रखा है स्टॉप लॉस। स्टॉक्स वाले ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, 57.15 पे निकाल दिया। बात नहीं, स्टॉक्स वाले ट्रेड खत्म, ऑप्शन वाले में देखते क्या करना है। आपके सामने प्रॉफिट चल रहा है फ्रेंड, देख रहा हूँ तब बुक करता हूँ। मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट, 162.57 पे गया है। अभी 162-163 चल रहा है, बस क्या 15 EMA पे सपोर्ट ले सकते हैं। ओहो, 170-171। पहले ट्रेड में जब लॉस हो जाता है ना तो सेकंड ट्रेड में बहुत कॉशियस होना पड़ता है, तो लॉस तो अपना कवर हो गया है। आप कोई शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड दिख रही तो ही देखते हैं, तो कैंसिल। एक स्टॉक सेल किया हमने, प्रिंस पाइप, इसकी सिचुएशन देखते हैं। 597.90 पे तो प्रिंस पाइप स्टॉक है, इसमें मैंने सेलिंग किया है। ये वाला डे वाला चार्ट देख के देखो, यहाँ से एक रेंज बनी हुई थी ये वाली, ये ब्रेक करके अब नीचे की साइड आ रहा है, इसीलिए प्लस। 15 मिनट पे भी देखो, यहाँ पे पहले बायर ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का प्राइस यहाँ से ऐसे, बट सेलर आ गए एंड सेलर भी बने हुए मार्केट में। तो जब तक सेलर है जब तक मैं इस ट्रेड में बना हुआ हूँ। येलो लाइन पे स्टॉप लॉस है मेरा 600.80 पे, वो इसलिए बिकॉज अगर ये रेड कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट होगी तो निकल जाऊंगा। बट अगर रेड में भी नहीं रहेगी और नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगी तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का ट्राई करूंगा इसमें। यहाँ पे बैंक निफ्टी मैंने कॉल बाय कर लिया है, इस लेवल पे स्टॉप लॉस रहेगा ये। प्रिंस पाइप वाले स्टॉक में प्रॉफिट आने लगता है, 404 क्या क्या, तो ऑप्शन वाले देखते चलेगी नहीं चलेगी। कॉल नहीं चली अपनी, 165-10%, 148 मैं निकल गया कॉल से। यहाँ पे कॉल चली नहीं, 15 मिनट पहले ग्रीन कैंडल बनी थी ना, इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, ये सोच के कि यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू करेगा, बट अपसाइड नहीं किया इसने एंड डाउनसाइड कर रहा है। तो ऑप्शन में करता हूँ मैं किल स्विच, बिकॉज ऑप्शन में काफी ट्रेड हो गई है। ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो किल स्विच का यूज करना ही पड़ेगा। ऑप्शन में किल स्विच हो गया, मैं ऑप्शन और ट्रेड ले सकता। अब अपना पूरा फोकस रहने वाला है स्टॉक वाले ट्रेड पे। एक चीज समझ में आ गई, पैसा ऑप्शन में ही बनेगा, स्टॉक्स में इतना खास नहीं बनता। बिकॉज यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को एक चीज, मैंने एग्जिट मारी थी 43500 की पुट 162 के प्राइस पे, यानी 162 इधर कहीं पे मैंने एग्जिट मार दिया, ठीक है। बट अगर मैं 162 कुछ पे एग्जिट नहीं मारता और यहाँ पे बना रहता थोड़ा सा, तो 252 तक भी गया है, यानी 252 गया और 162 पे निकल गया 150 क्वांटिटी के साथ। 252-162 कितना हुआ, 90। 90 इंटू कितनी क्वांटिटी थी, 150, यानी 13,500 रुपये और आ जाते, 13,500 रुपये इजिली, और शायद और भी 252 से भी ऊपर जा रहा है, देखो 268 तक चला गया। तो ऑप्शन में मोटा पैसा बन सकता है इजीली, 106। अब 106 × 150 क्वांटिटी थी मेरे पास, यानी 16,000 रुपये आ जाते। तो ये चीज तो क्लियर है भाई कि ऑप्शन में ही बहुत बड़ा पैसा अपने को देखने को मिल सकता है एकदम से। स्टॉक्स में धीरे धीरे चलता रहता है सब कुछ, प्रिंस पाइप वाले ट्रेड चलते हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा पैसा गिर गया, लेकिन ऑप्शन में देखो कितनी शानदार मूवमेंट आ गया। बट वही जो बना रहेगा उसके लिए, अब मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के यहाँ से ऊपर की साइड मूव कंटिन्यू कर सकता था, एंड मेरी पहली ट्रेड पे लॉस हो रखा था ऑलरेडी 2200 रुपये का, ठीक है। तो एक बार 2200 जितना प्रॉफिट दिख रहा है तो कम से कम और बुक कर लेना चाहिए, और यहाँ पे जब रीजन भी दिख रहा है बुक करने का, अब मैं नहीं बुक करता और यहाँ से कंटिन्यू कर जाता तो 2200 का लॉस ये, प्लस इसमें भी कुछ ना कुछ लॉस हो रहा था, 1,000, 2,000, 3,000, तो ज्यादा लॉस में क्लोज हो जाता है। इसलिए पहली ट्रेड पे अगर लॉस हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पहली ट्रेड अगर मेरी प्रॉफिट में होती या फिर ये पहली ट्रेड होती तो शायद मैं इसमें बना भी रहता। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस येलो लाइन पे है और काफी सारी ग्रीन कैंडल बन चुकी है, एक रेड कैंडल बन जाएगी ना तो फॉलो अप मिल जाएगा। प्राइस को इस कैंडल के अपर यहाँ से रिजेक्शन में लेना है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेड कर लिया मैंने। 5 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ, ये ग्रीन बायर्स ने ट्राई किया इस लेवल से ऊपर जाने का,
और यहाँ पे बायर्स को मिला रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे सेलर आ गए, और जैसे रिजेक्शन मिला इस पॉइंट पे, और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो रही है। अब देखो तो यहीं पे मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया अपना, ट्रेल कर लिया मतलब। अब अगर प्राइस यहाँ से वापस घूम के इस लेवल पे आएगा तो प्रायोरिटी ज्यादा लेवल तोड़ देगा और ऊपर भी जा सकता है, तो इसलिए मैं अपना यहीं पे निकल जाऊंगा। बट नीचे साइड जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करूंगा। अब प्रीवियस स्विंग है ये वाला प्रिंस पाइप वाले स्टॉक में। अब ये जो स्विंग है ये बायर ने इसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, तो सेलर एक बार इस लेवल के पास आ जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये सब डरेंगे और यहाँ से फास्ट मूवमेंट आएगी नीचे की साइड। तो यहाँ पे यही वेट कर रहा हूँ मैं कि ये जो प्रीवियस स्विंग बना हुआ है ये एक बार टूटा और फिर फास्ट मूवमेंट नीचे की साइड, यही मैं वेट कर रहा हूँ। ये प्रीवियस स्विंग ये वाला है, ये अगर एक बार टूटेगा तो फास्ट मूवमेंट नीचे की साइड आएगी। ये इस रेंज के अंदर घूम रहा था येलो बॉक्स के अंदर, येलो बॉक्स तोड़ के नीचे आया तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अपना। रिस्क रिवॉर्ड का चार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया, यहाँ पे प्राइस आएगा इस लेवल पे 2,000, यहाँ 4,000, यहाँ 6,000, यहाँ 8,000 बन सकते हैं, और ये एक लेवल है जो लास्ट स्विंग है, इसको तोड़ के अगर नीचे आएगा तो अच्छी मूवमेंट मिलेगी यहाँ पे, ऊपर जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। प्रिंस पाइप वाला स्टॉक इधर ही रेंग रहा है, ना तो यहाँ से नीचे जा रहा है और ना यहाँ से ऊपर जा रहा है, रेंज बना रहा है एक, बस इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दे मजा आ जाएगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन गई, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो वापस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, अब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा तो फिर नीचे की साइड मूवमेंट आएगी अच्छी। फिर ट्रेंड लाइन है ना ग्रीन कलर की, इस पे ध्यान देना क्या करता है इस पे। यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, लेट्स सी, स्टॉप लॉस इसी के जस्ट ऊपर लगा हुआ है 600.15 पे। पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, देखो ये पोल है और ये हो गया फ्लैग, अब अगर नीचे की साइड ब्रेक किया अच्छी मूवमेंट आएगी इधर, ये पोल फ्लैग फिर ब्रेक करके नीचे, काफी सारी चीजें बन रही हैं, देखते हैं कौन सी चीज वर्क करेगी। असेंडिंग ट्राइंगल भी आया है, बट मेन यही है कि ये जो एक लाइन बन रही है ना जिसपे सपोर्ट लेके प्राइस जाया जा रहा है ऊपर, उसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग कैंडल एक बना देगा, जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ है सबकी हालत खराब होगी और फिर एक फास्ट मूवमेंट आएगी नीचे की साइड, फिर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा अपने को, पहले 2,000 फिर 4,000 फिर 6,000 नीचे आता है, तो ये दमदार होनी चाहिए कैंडल रेड वाली जो बन रही है अभी करंट में, एकदम ऐसी होनी चाहिए कि सारे जितने बाय करके बैठे यहाँ पे सब डर जाए। ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये एक दमदार सी बन गई ना, खासकर ये लेवल तोड़ दिया अगर ये वाला, ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी और नीचे क्लोजिंग बन गई ना, एक मजा आने वाला है। कैंडल के ऊपर गेम है, मैं एक और ब्रेक थोड़ी सी और बनी रहे, थोड़ी सी और सेलिंग आ जाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थोड़ी सी और सेलिंग, 1 सेकंड और बनी रहे बस कैंडल, पर मत जा नीचे की तरफ आ, नीचे आ, बड़ी सी रेड कैंडल बन जाना जैसे ये बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है, मजा आ जाएगा, वो भी क्लोज बढ़िया रेड या नीचे है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ लगा लेता हूँ, अभी रेड कैंडल ये बचाएगी बचाएगी, तो तोड़ दे ये जो लेवल है इसको तोड़ दे बस एक बार, सारे बायर ट्रैप हो जाएंगे ये वाले, ये लाइन टूट के ना अब आएगी फास्ट मूवमेंट, है बैंक निफ्टी में भी फास्ट मूवमेंट आ रही है रेंज तोड़ने के बाद। ये जो रेंज है बैंक निफ्टी में, इस रेंज को पहले अपसाइड ब्रेक किया यहाँ पे ट्रैप किया, और अब देखो फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया कि यहाँ पे कैसे नीचे जा रहा है, आग लग गई इसमें बैंक निफ्टी में, ये देखो आपको दिखाता हूँ 43,300 का पुट यहाँ से आग लगी और सीधा अकाउंट 128%, ये बैंक निफ्टी का जादू, बैंक निफ्टी में ही बनते हैं बहुत पैसे। स्टॉक्स में तो सारे दिन बैठे रहो मूवमेंट का वेट करते रहो, अब यहाँ पे आया था मूवमेंट, में कब से कह जा रहा था कि ये एक लाइन है इसको ब्रेक करेगा, ये सारे बायर ट्रैप होंगे और एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी नीचे, प्रोबेबिलिटी है श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी होती तो मैं सब घर बार बेच के लगाया था यहाँ पे, लेट्स सी कि ये कितनी मूवमेंट दे पाती है कैंडल जो बन रही है अभी। पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल रहा तो हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ये हो गया पोल ये हो गया फ्लैग और नीचे की साइड ब्रेक डाउन, मैं आप लोगों को पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से ये फ्लैग का पोल है और ये हो गया बेयरिश फ्लैग, और फिर यहाँ से प्राइस टारगेट बेस ऑन फ्लैग पोल, जितना पोल है इतना ही नीचे एक्सपेक्टेड है, तो अपनी जो ट्रेड है ये वाली, अब इसमें ये जो पोल बना हुआ है कितना बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं 1:4 पे करके, और ये पोल ले लिया मैंने, ये हो गया फ्लैग, इसी पोल को उठा के अब यहाँ लगा देता हूँ, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ। देखो ये पोल था ब्लू कलर का, ये होगा फ्लैग रेड कलर का, ये जो बन रहा है ये होगा फ्लैग, ब्रेक करके आ रहा है नीचे, तो टारगेट कितना रहेगा जितना ये पोल है, यानी ये यानी 4,000 तक तो अपने को मिलने की प्रोबेबिलिटी, कोई रहा फ्लैग एंड पोल पोल फ्लैग ब्रेक, बार बार इसलिए बता रहा हूँ एक ही चीज ताकि दिमाग में घुस जाए, कुछ लोग सोच रहे हैं बार बार एक ही बात बोल रहा है, भाई आप लोगों को अच्छे से दिमाग में घुस जाए बात, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, याद रहे मेरे को कुछ बार बार बोलने में पैसे नहीं मिल रहे यहाँ पे, सब चीज फ्री है, कोई पैसे चार्ज नहीं करता मैं किसी से, भगवान ने दाल रोटी चलाने लायक जिंदगी दे रखी है, कमाई दे रखी है बहुत है, और ये भी एक लेवल है जो टूटेगा तो एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी नीचे। स्टॉक्स में बहुत देर बैठना पड़ता है तब जाके कुछ मूवमेंट मिलती है, देखो चल पड़ी ना लाइन, थोड़ा देर में भी रुके, बट जैसे इसको निकालेगा इस लेवल को तो मजा आएगा।
आएगा। टोटल चेल करके यहाँ लगा लेता हूँ 599.75, हल्का सा ऊपर यहाँ पे, बस यहीं से रिएक्शन मिला था प्राइस को 599.95, 599.90 पे स्टॉप लॉस लग चुका है। और आज के दिन अब थोड़ा सा ग्रीन देखने को मिल रहा है, शुक्र है। बस ये लेवल निकल जाए ना एक बार, फिर मजा आएगा। बैंक निफ्टी में आ गया बढ़िया मूवमेंट तो। ओ भाई 410 420 में यहाँ 162 पे निकल गया था। ऑर्डर बुक कहाँ गई, ये देखो ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ आप लोगों को। 43,500 की पुट 162 पे निकल गया था, 957 पे 150 क्वान्टिटी। 47,500 की पुट में निकल गया था यहाँ पे कहीं पे 162 पे। 162 से कहाँ तक गया ये सीधा 421, 421 माइनस 162, 259 × 150, यानी 40,000 रुपए तक भी बन सकते थे आज। बट हाँ देखो ये लेवल तोड़ देना प्रिंस पाइप ने, अब देखना मूवमेंट, अब हालत खराब होगी सभी बाहर की। बस ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए यहाँ पे, और 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो बढ़िया मजा आएगा। तो प्लस स्टील कर रहा हूँ मैं अपना, यहाँ से रिजेक्शन मिला था ना प्राइस को, जो ग्रीन कैंडल बनी थी फिर रिजेक्शन मिला था, इसलिए यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूँ। इससे पहले वाला स्विंग 598.80 पर, 598.80 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। लॉस छोटा सा होगा तो प्रॉफिट देखते कितना कैप्चर कर पाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना आपको बनी थी, ये बायर डिफाइन कर रहे हैं इस लेवल को, क्योंकि बायर को पता है अगर ये लेवल टूट गया ना नीचे कोई रोकने वाला नहीं, और बहुत ज्यादा स्पीड से प्राइस नीचे आएगा। यहाँ पे देखते हैं बायर यहाँ लेवल को बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। लेवल टूटने वाला जो मैंने मार्क किया था ये वाला, ये बायर का लास्ट एक होप है शायद प्राइस ऊपर चला जाए यहाँ से, जो ग्रीन कैंडल बनी थी। बट ये अभी सेलर ने तोड़ दिया ना, लास्ट होप भी मिटेगी और फिर इन सब की पोजिशन कटेगी, और फिर देखना मूवमेंट कितनी अच्छी आती है। मैं भी काफी ध्यान से ट्रेड पे पूरा ध्यान लगा रखा, बिकॉज पहले लॉस में था ना मैं, तो एक बार लॉस वाले अगर किसी दिन पहले ही लॉस हो जाए तो कोशिश करो ब्रेक इवन पे या थोड़े प्रॉफिट पे निकल जाओ, प्रॉफिट किसी और दिन बन जाएगा ठंडे दिमाग से। या कोई ट्रेड बहुत अच्छी चल रही है, निकलने नहीं दे रही, स्टॉप लॉस हम लगाए जा रहे हैं, ट्रेड करे जा रहे हैं और अच्छे से प्रॉफिट बने जा रहा है तो भी बढ़िया है। बट अगर कहीं पे रिस्क लगे कि नहीं यहाँ से शायद बाउंस बैक हो सकता है और मेरा प्रॉफिट कम हो सकता है, और आज मेरा ऑलरेडी लॉस हो चुका है तो, और ऐसे रीजन मिले सॉलिड क्या यहाँ से शायद बाउंस बैक हो सकता है तो निकल जाओ, बेटर है। बट यहाँ पे मेरे को प्रोबेबिलिटी ज्यादा ब्रेक डाउन करने की लग रही है, लेट्स सी क्या रहता है इसमें। बहुत खराब ब्रेक को तो चल रही है सेलर की, बढ़िया है। जोर लगाओ सेलर, जोर लगाओ और जोर से गिरो नीचे, ले आओ प्राइस को नीचे। सेलिंग जब भी अगर हो रही है तो वो होनी चाहिए फास्ट, एकदम धड़ाके से प्राइस आना चाहिए नीचे, तो वो होती है जेनवन सेलिंग। थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे, तो वो सेलिंग नहीं होती, वो तो बस वैसे ही रिटेल ट्रेडर आपके हमारे जैसे लोग पैसा डाल रहे हैं निकाल रहे हैं। जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं ना, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो अगर सेलिंग करते हैं तो फटाक से प्राइस जाना चाहिए नीचे एकदम स्पीड में, तो वो जेनवन सेलिंग रहती है। बैंक निफ्टी भी देखो रुक नहीं रहा, बहुत अच्छी मूवमेंट आई है बैंक निफ्टी में आज, थोड़ा सा चल रहा है जा रहा है। मैंने बताया था ना लेवल टूटे तो फास्ट मूवमेंट आएगी, कोई फास्ट मूवमेंट शायद शुरू हो गई है, लेट्स सी कितना कैप्चर कर पाते हैं। क्लोज हो जाए कैंडल बस यहाँ पे, एक दो रेड कैंडल फिर ये सारे बाय ट्रैप होंगे। क्लोज हो गए ना, अब जादू देखना। तो क्लोज ट्रेल करने का टाइम आ गया है, 597.40 पे ट्रेल कर लेता हूँ। 597.40 मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है, तो क्लोज ट्रेल करने का टाइम आ गया है। 15 मिनट कैंडल क्लोज हो गई, तो इसी के प्रीवियस कैंडल यानी ये कैंडल के ऊपर लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस 597 पे। स्टॉक यहाँ पे रेंज के अंदर मूव कर रहा है, देखो ये इसने एक बेस बना दिया है, इस बेस को जब नीचे साइड ब्रेक करेगा ना तब एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। वेट कर रहा हूँ ये बेस को ब्रेक कर दे, यहाँ पे लेवल टूट गया फ्रेंड, ये वाला जो मार्क किया था, अब देखो मूवमेंट कितनी अच्छी आती है। प्रॉफिट अपना 2,000 से ऊपर होने वाला था, अभी हो गया कि नहीं हुआ, हो गया शायद, बड़ी रेड कैंडल बन रही है ना इसी के इन पे लगा लेता हूँ स्टॉप लॉस 595.15, 595.60, 595.60 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया अपने यहाँ पे। थोड़ा सा प्रॉफिट तो नहीं लेके जाऊंगा स्ट्रेट में, और कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लेने की प्रॉफिट। 1611 आज का प्रॉफिट दिख रहा है अभी, लेट्स सी कितना बुक कर पाता हूँ। कैंडल क्लोज हो जाए बस ये बड़ी वाली 592, 2,000 से ऊपर प्रॉफिट दिख रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ लगा लेता हूँ 594 पे, 594 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है और प्रॉफिट चल रहा है अभी 2,000, क्लोज हो गई कैंडल बढ़िया। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ 593.35, 593.35 मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, टोटल प्रॉफिट 2,300 चल रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे कहीं पे लगा लेता हूँ 592.35, ऊपर आ गया। शेट ये क्या हो गया, 600 रुपए बचे हैं, मजाक ही हो गया। तो इसमें हुआ क्या, यहाँ पे ऑर्डर देखते हैं, देखो प्रॉफिट सिर्फ 600 कुछ बचा है, बस 2,400 अच्छा खासा आ गया था, 2,400 2,300। समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। प्रिंस पाइप यहाँ पे मैंने सेल किया हुआ था 10:25 पे, ठीक है, तो 13:36 पे 593.30, यानी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब तो मैंने यहाँ से भी एग्जिट कर दिया मैनुअल, और जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था वो भी एग्जिट हो गया। तो मैनुअल वाले में ये यहाँ पे निकला मैं, और फिर जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे बाय, और फिर सेल 591.79 पे। ये ऐसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम हो दिख रहा है यहाँ पे, 700 रुपए बस, वरना आज प्रिंस पाइप में 2,400 2,300 रुपए दिख रहे थे अच्छे बने, कुछ नहीं कर सकते, वही टेक्निकल दिक्कत। चलो अपना एनालिसिस तो बढ़िया था यहाँ पे, जो हमने सोचा जैसे सोचा उस हिसाब से पैसे हमने देखे यहाँ पे। ऑर्डर एग्जीक्यूट जो हुआ है उसमें थोड़ा सा इश्यू हुआ है, इसलिए तो अभी और ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ किल स्विच, क्योंकि अभी प्रॉफिट में घर लेके जाऊंगा 685। अब मैं एक और ट्रेड लू फिर लॉस में चला जाऊंगा तो वो चीज गलत हो जाएगी। एक बार प्रॉफिट बन जाए किसी दिन, खासकर पहले किसी ट्रेड
इसमें अगर लॉस हो गया हो और फिर प्रॉफिट दिख रहा है तो फिर अब इसका 20% से रिस्क ले सकता हूँ। 20% तो कुछ अमाउंट बनेगा ही नहीं, 200-300 रुपए क्या ही रिस्क ले रहा है, इतनी ब्रोकरेज चली जाएगी। तो उसके लिए स्विच कर दिया है, आज के लिए इतने बने 685, और आपने देखा 23 से 24 बन रहे थे, बट यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर हो गया, मतलब मैंने मैनुअल भी एग्जिट किया और जो स्टॉप लॉस लगाया था वो भी एक्टिवेट हो गया, नहीं तो आज अच्छा पैसा बन रहा था इसमें एनालिसिस के हिसाब से, फ्लैग एंड फॉल पैटर्न। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेज वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Thank you.